बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान थमन। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और दिग्गज अभिनेता रहे शम्मी कपूर, इन्होंने 5 दशक तक इंडस्ट्री पर अपना दबदबा कायम रखा था। अपने जीवन काल में इन्होंने तकरीबन 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और मुख्य अभिनेता के रूप में 50 से भी अधिक फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया है। डांस हो या एक्शन हो या फिर हो रोमांस, हर एक किरदार में शम्मी कपूर बखूबी जलवा बिखेरते नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सबको जानते होंगे, पर क्या आप इनकी बेटी के बारे में जानते हैं कि वह कौन है, क्या करती है और कैसी दिखती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट की। वहीं बात करें इनके करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1953 में आई फिल्म ज्योति जीवन से की थी। इस फिल्म में इनके अभिनय का काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके बाद इन्होंने एक और फिल्म में काम किया जो साल 1957 में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा थी। इस फिल्म से भी इन्होंने काफी सफलता हासिल की। लेकिन साल 1961 में आई फिल्म जंगली ने शम्मी कपूर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। फिल्म में इनके डांस और गाने याहू को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इन्होंने इंडस्ट्री में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें राजकुमार, कश्मीर की कली, ब्रह्मचारी, सच्चाई, परवरिश, विधवा, प्रेम रोग, जानवर और भी बड़ी कई फिल्में शामिल है। फिल्में रही हैं जिन्हें लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। वहीं बात की जाए इनकी बेटी के बारे में, तो उनका नाम कंचन केतन देसाई है, जिनका जन्म 1961 मुंबई में हुआ था, जो कि प्रोफेशन से एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। इनके द्वारा साल 2002 में प्रोड्यूस की गई फिल्म यह है जलवा है। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने बिजनेसमैन केतन देसाई से शादी कर ली है और इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हैं, जिनका नाम पूजा देसाई और राजेश्वरी देसाई रखा गया है। आपको बताते चले कि 14 अगस्त साल 2011 को शम्मी कपूर की किडनी फेल हो गई थी, जिसके बाद इन्हें इंडस्ट्री और दुनिया को छोड़ना पड़ा। तो आपको शम्मी कपूर की बेटी के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।